राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलोक मूर्ति पर। आज शयनी एकादशी पर हम कान्हा जी का श्रृंगार कर रहे हैं और इस वीडियो में आपको शयनी एकादशी के संदर्भ में जो जानकारी है वो भी मिलेगी। जैसा कि सब लोग जानते हैं, शयनी एकादशी से जो है चतुर्मास का प्रारंभ होता है और दरअसल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही शयनी या देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे और भी नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि पद्मनाभा और हरिशयनी एकादशी भी इसे कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु चार मास के लिए बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को वे वापस वैकुंठ लोक लौटते हैं। इसी दिन को चौमासे का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जो है चार मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कहा जाता है और कार्तिक एकादशी को जो प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। फ्रेंड्स, हम कान्हा जी के वस्त्र निकालने के बाद जो है उन्हें स्नान भी कराएंगे और आज की एकादशी बहुत ही बड़ी और मतलब जो अर्थपूर्ण एकादशी है, तो आज की एकादशी पे कान्हा जी का स्नान पंचामृत से होगा। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ये जो चार मास है, धार्मिक दृष्टि से चार मास भगवान विष्णु के निद्रा का काल जो है माना जाता है और इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते हैं और वे एक ही स्थान पर जो है रहकर तपस्या करते हैं। इन दिनों केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है क्योंकि इन चार महीनों में भूमंडल यानी इस पृथ्वी पर समस्त तीर्थ जो है ब्रज में आकर निवास करते हैं। तो ये जो ब्रज में निवास करते हैं लोग, उनके लिए काफ़ी सुखदायक चार मास होते हैं और जो ब्रज में जाने के लिए उत्सुक है तो वो चार मासों में ही जा सकता है क्योंकि सारे ही जो तीर्थ है वो ब्रज में निवास करते हैं। आज से जो है चतुर्मास प्रारंभ होता है तो काफ़ी लोग जो है चतुर्मास का पालन भी करते हैं और मैं चतुर्मास के पालन की वीडियो भी जल्द ही लेकर आऊँगा। अब जो है हमने कान्हा जी को स्नान के लिए तैयार किया है तो उनका हम अभिषेक करते हैं। तो सबसे पहले जो है शुद्ध जल से, उसके पश्चात हम दूध से दही से उनका स्नान जो है करेंगे। आज की रात्रि से जो है भगवान विष्णु शयन करने जाते हैं तो इस काल को जो बहुत ही शुभ माना जाता है और आज के दिन जो वो शयन के लिए जाने वाले होते हैं तो हमें जो है उनका विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इस दिन उपवास भी किया जाता है और भगवान विष्णु की प्रतिमा को या कान्हा जी के विग्रह को भी हम जो षोडशोपचारे पूजा करके उनके हाथों में जो मतलब हाथों में मुरली थमा दीजिए कान्हा की, या जो विष्णु जी का विग्रह है तो उनके हाथों में शंख चक्र गदा और जो फूल होता है कमल का वो आप दे सकते हैं। और आज जो है खास जो उनकी सेवा में पीतांबर या पीत वस्त्र जो है हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही हमने अच्छे से कान्हा जी का श्रृंगार करने की कोशिश की है और पीत वस्त्र से ही उनका श्रृंगार हम करेंगे और पीला दुपट्टा है जो जिससे हम उन्हें सजाएंगे। फिर जब पंचामृत से स्नान जो संपन्न हो जाएगा तो उसके पश्चात उनके आगे जो है धूप दीप और पुष्प से उनकी पूजा की जाएगी और आरती उतारी जाएगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दही से भी स्नान करा दिया है कान्हा जी को। अब जो शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराकर हम उनका जो आगे का स्नान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये शर्कर है जो कि पंचामृत में भी एक उसका हिस्सा होता है, तो उसी तरीके से तो अब कान्हा जी को जो पूरा स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से उन्हें फिर से हम जो शुद्ध जल से भी अभिषेक करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने कई बार शयनी एकादशी की कथा जो है सुनी होगी, पर हम जब भी कोई कथा सुनते हैं भगवान की तो वो हमें प्रत्येक समय में वो नई लगती है। तो इस बार मैं भी छोटी सी कथा लेकर आया हूँ। तो क्या होता है कि एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के बारे में पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुख और आनंद से रहती थी। एक बार उनके राज्य में लगातार 3 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा था और उनकी जो प्रजा है बहुत ही व्याकुल हो गई थी। इस दुर्भिक्ष से चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। धर्म पक्ष के यज्ञ हवन पिंडदान कथा व्रत आदि सब में कमी हो गई थी। प्रजा ने राजा के दरबार में जाकर अपनी वेदना की दुहाई भी दी। तो अगली कथा सुनने के पहले हम कान्हा जी की ये श्रृंगार की सामग्री आपको दिखा रहे हैं। तो ये इनका पीताम्बरी पोशाक और पीताम्बरी जो पटका है, पगड़ी भी इनकी इसी मतलब कलर में बांधी जाएगी। ये जो भी होगा वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम आगे की कथा सुनते हैं। तो जब प्रजा उन राजा के पास आई तो राजा ने कहा था, आप लोगों का कष्ट भारी है उसे मैं समझ सकता हूँ, मैं प्रजा की भलाई हेतु पूरा प्रयत्न करूँगा। राजा इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसका दंड मुझे इस स्वरूप में मिल रहा है। फिर प्रजा की दुहाई और कष्ट को सहन न कर पाने के कारण इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के तेजस्वी पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा, फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का अभिप्राय भी जानना चाहा। राजा ने सब कुछ हाथ जोड़कर जो अंगिरा ऋषि को कह दिया। जो भी उनके राज्य में हो रहा था उन्होंने अपनी व्यथा अंगिरा ऋषि के सामने रखी। यह सुनकर अंगिरा ऋषि ने राजन को कहा, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है राजन। इसमें छोटे से पाप का भी भारी फल मिलता है। इसमें लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं तथा इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। इसमें ब्राह्मणों को अतिरिक्त अन्य किसी जाति को तप करने का अधिकार नहीं। फिर भी आपके राज्य में एक शुद्ध तपश्चर्या कर रहा है, यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक उसकी जीवन लीला समाप्त न होती तब तक ये दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। परंतु राजा का हृदय उस निरपराध को मारने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने उस निरपराध तपस्वी को मारना उचित न जानकर ऋषि से अन्य उपाय पूछा। तो राजा ने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को क्यों मारूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए कृपया आप मुझे अन्य उपाय बताएं। तब ऋषि ने कहा था, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पद्मा एकादशी या शयनी एकादशी का विधिवत व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। यह सुनकर राजा मांधाता वापस लौटे और उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिवत व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई तथा पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार से शयनी एकादशी की कथा जग प्रख्यात है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको एकादशी की कथा रोचक लगी होगी और मुझे भी ये कथा सुनाकर बहुत ही अच्छा लगा। तो इसका पाठ आप एकादशी पर कर सकते हैं। और अब जो है कान्हा जी का श्रृंगार पूरा होने को आया है।
तो हमने पीतांबरी पोशाक पहनाई है, आभूषण पहना दिए हैं। अब जो बाकी है वो है पगड़ी और उनकी मुरली, तो उनकी आंखों का श्रृंगार भी कर देते हैं और उसके पश्चात जो है उनकी पगड़ी भी उन्हें धारण कराते हैं। ये हमने उनके बाल भी उन्हें पहना दिए हैं। फ्रेंड्स, में हर बार जो है कान्हा जी का श्रृंगार लेकर आता हूँ, तो इस बार मैंने कुछ नया करने का जो प्रयत्न किया था, और इसी आशा को लेकर मैंने ये एकादशी की कथा तथा एकादशी का महात्म्य आपके सामने रखा। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और भी आपके कोई सवाल हो तो आप हमें क्वेश्चन जो है आपके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो कोई आपको जो किसी व्रत के बारे में या किसी भी पूजा के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि अगली वीडियो में आपकी क्वेश्चन के हम आंसर दे पाए। ये कान्हा जी की पगड़ी है जो हमने बांधी, और ये हम कान्हा जी को पहना देते हैं, तो ये कुछ अच्छे से नहीं बैठी है, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ और कान्हा जी को हम तिलक लगाकर अपने कान्हा जी के मंदिर में उन्हें विराजित कर देंगे। आज का दिन सारे वैष्णव भक्तों के लिए बहुत ही खास है, और आज के दिन हम जो भी करेंगे उसका जो अक्षय फल हमें मिलेगा। वर्ष में जो 24 या 26 एकादशियां आती हैं उनमें शयनी एकादशी और प्रभावदिनी एकादशी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इन दोनों एकादशी को महत्वपूर्ण माना गया है। और आज के दिन कान्हा जी को तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना, तो मैंने भी यहाँ पर तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दिया, और जो पीताम्बरी पटका जो उनको धारण करा रहा हूँ उनसे उसे सजाएंगे कान्हा जी को। तो यहाँ मैंने इस तरीके से कुछ सजाने का जो विचार किया है, तो इसे पीन से या कुछ अन्य से सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अब जो कान्हा जी दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कान्हा जी स्वयं ऐसे सजे हैं, और इनकी इच्छा थी इस प्रकार से पीतांबर धारण करने की। ये इनकी मुरली, तो अभी ने मंदिर में विराजित करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मोम कम पड़ रहा है साइड से, यहाँ पर मैंने मोम लगाया तो है पर वो फिसल रहा है वहां से, मैं और लगाकर वहां पर चिपका दूंगा। आज जो हमारे छोटे कान्हा जी हैं उन्होंने भी पीतांबरी पोशाक पहनी है, और मंदिर का भी नज़ारा काफ़ी दिनों से आपने नहीं देखा है, तो आप मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे इसी वाहन से। तो आरती भी हम कान्हा जी की करेंगे अभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वीडियो का अंत करता हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। हरे कृष्णा, राधे राधे।